समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, आपने एक बार ड्रीम देखा, आपको लगा खुदा की तरफ से। कैसे पता चला आपको? हाउ यू नो दिस ड्रीम फ्रॉम गॉड? कभी भी ये गलतियां मत किया करी। कभी भी आपको कोई ड्रीम आए ना, आपको कंफर्म करना है ना, प्रभु को बोलिए दोबारा दे। उसके बाद भी लगता है कि नहीं अभी भी कंफ्यूज हूं, जानते हो क्या प्रेयर करो, सेम ड्रीम मेरे पास्टर को दे। परमेश्वर को अगर आपको काम करवाना है ना, वो कैसे भी करवाएगा, ट्रस्ट मी, आपको कैसे भी निकाल के ले आएगा। आप शायद यूके की इस बात को नहीं जानते, लंदन में एक बार एक ही शहर में खुदा ने 102 परिवारों को सेम घर दिखाया ड्रीम में, और वो 102 लोग उस घर में एड्रेस के साथ प्रभु ने दिया वहां जाओ। जानते हो वहां पर जब वो लोग गए, आहिस्ते आहिस्ते जा रहे थे, सब दरवाजा खटखटा रहे थे, और जो परिवार दरवाजा खोल रहा था उनको वो बोल रहे थे हमें दर्शन मिला यहां आने का, हमें नहीं पता है पर खुदा ने हमें कहा है। तब पता चला कि वो परिवार इस जगह पर चर्च स्टार्ट करना चाहता था और कोई आने के लिए तैयार नहीं था, और जानते हो उन्होंने 12 साल दुआएं की और खुदा ने खुद अपने लोगों को इकट्ठा किया। या कभी कभी कोई आया आपके ऊपर, आपने हाथ रख के बोला मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बता क्या देख रहा है, बता, मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपको पास्टर बनाया है। मुझे मिनिस्ट्री में आने से पहले 15 लोगों ने कहा था फुल टाइम मिनिस्ट्री में चले जाओ, तो मैंने उनको बोला मेरे घर का खर्चा सिर्फ 80,000 है, वो तुम दे दो, मैं कल ही चला जाता हूं। तो उसके बाद वो लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। लोग आप पे इंप्रेस होके भी कभी कभी प्रोफेसी करते हैं, लोग कभी कभी आपके ज्ञान को देख के भी आपके लिए भविष्यवाणी कर देते हैं। डोंट बी डिसीव, कुछ भी सुन रहे हो कम से कम 6-7 बार कंफर्म करने के बाद आगे बढ़ना, नहीं तो धक्के खाओगे। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, अंकल ने कहा मैं नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा क्यों? वो बोलते हैं मैंने देखा है लोग भूखे मरते हैं आजकल जिनके पास फुल टाइम मिनिस्ट्री है। प्रभु ने जानते हैं उनको क्या कहा, मैंने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं था, जबरदस्ती मेरे कंधे पे आके बैठ गए। जिसको खुदा बुलाता है उसे प्रोवाइड भी करता है। इफ गॉड कॉल्स यू ही विल प्रोवाइड यू। आप जानते हो पतरस मैरिड था? नहीं भैया, बाइबल में कहां लिखा है? लिखा है ना सांस थी। सांस ऐसे ही आ गई क्या? अब सोचो अगर पतरस रात को घर पे जाता होगा तो उसकी पत्नी उससे पहले पूछती होगी हेलो फिशरमैन हाउ यू वगैरह वगैरह, सब उससे बात करती होगी, या खर्चा नहीं मांगती होगी, मला पैसे दे, नहीं मांगती होगी, 100% मांगती होगी। बताइए पतरस क्या करता होगा, देता होगा। अब पतरस से तो काम छोड़ दिया है, पतरस के पास कहां से आया, उसको किसने दिया? ईशु ने दिया। ईशु के पास एक अकाउंट था, सेविंग अकाउंट, वो जो भी आता था उसमें सेव करता था। जब खुदा आपको बुलाएगा वो आपको प्रोविजन भी देगा। मैं कभी बिलीव नहीं करता कि आपको खुदा ने बुलाया है और वो आपको धक्के मारने के लिए छोड़ देगा। अरे एक कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को इतना ध्यान देती है तो वो जो ऊपर से है, जो विश्वास योग्य है, वो ऐसे ही छोड़ देगा आपको? नहीं हो सकता। परमेश्वर आपकी जरूरतें कैसे भी पूरी करता है। कभी कभी वो आपके साथ ऐसे लोगों को रखता है जो आपको सपोर्ट करते, ये परमेश्वर की तरफ से वरदान होते हैं। ये मत सोचिए कि सब चीजें ऊपर से परमेश्वर ऊपर से थैलियां फेंकेगा आपके ऊपर, ये ले मैं छत के ऊपर फेंक दे रहा हूं, ये ले एक तारीख की सैलरी तेरी। नो, कई बार वो आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ता है जो आपको सपोर्ट करते हैं। बाइबल बताती है खुदा ने कहा कि यूसुफ के लिए कि प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा दी। अब सुनिए, यूसुफ के भाई उसे बहुत प्यार करते थे, कुछ ज्यादा ही करते थे, मार मार के बताते थे कभी। यूसुफ के भाई उससे जलते थे,
कभी भी लोग आपसे जले ना तो आप टेंशन मत करो, एक्चुअली यही वो लोग हैं जो जानते हैं कि आप बेहतर हो। जब मुझसे लोग जलते हैं ना, मुझे देख के बोलते हैं कि छोटी सी उम्र में खुदा ने इसको खड़ा किया। मुझे आज भी याद है किसी ने मेरे लिए ऐसा कहा था, बहुत छोटी सी एज में खुदा ने तुझे खड़ा कर दिया अपने लिए। यस ट्रू, 19 ईयर्स का था, मैंने गॉस्पल शेयर करना स्टार्ट भी कर दिया था। आई वॉज जस्ट 19। मैं देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल हिंद माता, हमारे पास ऐसा एक मॉनिटर होता था, उसमें से माइक निकालते थे, हिंद माता के बाहर खड़े होके, मेरे एक दोस्त थे विक्टर, वो गीत गाते थे, गीत गाने के बाद जब लोग आगे आते थे मैं गॉस्पल शेयर करता था। हम लोगों ने स्टार्टिंग के डेज में कोई पुलपिट कोई चर्च नहीं ढूंढी, हमने स्ट्रीट को ही अपना समझा। लेकिन फिर एक समय आया जब मैंने प्रभु का वचन अपने कलीसिया के मंडलियों में शेयर करना स्टार्ट किया। कभी भी लोग आपसे जलते हैं ना, डोंट बी डिस्करेज। जब लोग आपके लिए कहें उनको मैसेज करो, बोलो थैंक यू मुझे अच्छा समझने के लिए। लोग आपसे क्यों जलते हैं आपको पता है? क्योंकि वो नहीं कर पाते जो आप कर रहे हो, इसलिए दे फील जेलस। तो जलन रखने वाले एक्चुअली जानते हैं कि आप आगे हो, एक्चुअली दे कन्विंस्ड, इसलिए तो जलते ही। कहिए अपने बाजू वाले से आप जलो बैठ के। मैं बहुत खुश हूं कोई तो जल रहा है। और जो जलन रखते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्यों जल रहे हो, क्योंकि आप तुलना करते हो, यू आर कंपैरिजिंग। आपको पता है कितने लोग आजकल कंपैरिजन करते रहते हैं, तू अच्छा मैं बुरा, मैं बुरा तू अच्छा। कभी भी कंपैरिजन मत किया करो, कभी भी आपको किसी से अपने आप को कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। घर में दो औरतें हैं और आप कंपेयर कर रहे हो, बना वड़ा पाव देखती हो कौन अच्छा बनाती है। नहीं नहीं नहीं, दोनों का अच्छा है। डोंट से के ये पास्टर ज्यादा अच्छा, ये सब एक ही है। प्लीज, इसके भाई इससे जलते थे। एक दिन इसने अपने भाइयों को अपना विजन बताया, उसने कहा एक दिन ऐसा होगा इनडायरेक्टली तुम सब मेरे सामने झुकोगे। जैसे पतरस ने कहा ना, प्रभु ये सब तुझे इनकार करे तो करे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कुछ ऐसा हो गया। बाइबल बताती है उसके भाई उससे जलते थे। एक दिन डैड ने कहा जा ये लोग कुछ चराने के लिए गए हैं, जरा देख क्या कुशल जान क्या। यूसुफ हाथ में टिफिन विफिन लेके अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, दूर से इसके भाइयों ने देखा और कहा अरे स्वप्नदर्शी आ रहा है, चलो अकाउंट क्लियर आज इसको दिखा देते। उन्होंने उसको मारा पीटा लहू लहान करके उन्होंने उसको खड्डे में डाल दिया। बोलिए खड्डे में डाल दिया। खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट। पिट का स्पेलिंग पी। बोलो पास्टर इन ट्रेनिंग। बोलिए प्रीचर इन ट्रेनिंग। प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। बहुत सारी चीजें खुदावन बाइबल कॉलेज में नहीं खड्डों में सिखाता है, राइट? खड्डे तो आएंगे, खड्डे में लोग फेंकेंगे भी आपको। मैं कभी कभी इस चीज को समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको क्यों लस्ट होती है क्लियर करने की कि मैं ऐसा नहीं हूं? टेल मी, लेट इट बी। जिसको जो सोचना है सोचने दो। आप इस एटीट्यूड में क्यों जिंदगी नहीं जीते? आपने कभी देखा है कोई अगर मेरे अगेंस्ट में कुछ कहे तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं, मैं उसको आंसर करूं? मुझे फेसबुक कहां पर भी चाहिए, मुझे मेरा थंब दिखा दीजिए। मैं कभी नहीं करता। किसी ने कहा अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर प्रॉब्लम।
अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप बादशाह के बेटे हो, बादशाहों की तरह जियो। हर जगह पर जस्टिफाइड करना, हर जगह पे जाके बताना मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको खुदा से ज्यादा अपनी इमेज से प्यार है। अगर कुछ लोग मुझे गलत समझते भी हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या लगता है आपको, क्या आप हर जगह पे लोगों को अपने फेवर में लेके आओगे? नो, द बाइबल सेज फेवर ऑपोजिशन भी लाता है। यीशु के पास खुदावन का फेवर था। देखिए बहुत सारे इज़राइल के लोग उसके अगेंस्ट में थे, लोगों को जस्टिफाइड करना बंद कर दीजिए, टेबल पे जोर जोर से हाथ मार के बातें करना बंद कर दीजिए। आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर जिनको बर्दाश्त नहीं होता कि लोग मेरे बारे में बुरा कहें सोचे। यू आर अ हैंडीकैप एक्चुअली, आप वैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं अगर ऐसे हैं तो। मुझे कभी कभी कोई कहता है ना 5 और 5 11, मैं बोलता हूं कंटिन्यू, एंजॉय एंजॉय, गो 11 बोल 12 बोल, मुझे क्या करना, योर प्रॉब्लम, मेरे को पता है 10 है। लोगों को आर्ग्यूमेंट्स करना, मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूं, लिव विद जीसस, अपने खुदा के साथ जियो। जो आपका नहीं है वो आपके पास नहीं आने वाला, जो आपके पास है वो आपका आ जाएगा। यूसुफ के भाई उससे जलते थे और उन्होंने उसको मारा पीटा और फेंक दिया। आप जानते हो उसके एक भाई पर, इसके एक भाई के अंदर थोड़ी उसके लिए दया आ गई, यहूदा को, बिन्यामीन, दया, दोनों उनको मर्सीफुल हो गए। उन्होंने कहा यार जान से मत मारो, एक काम करते इसको बेच देते हैं अपन। बेचने के बाद कुछ पैसे मिल गए। अब एक वो लड़का जिसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मिली है, कलाम कहता है अब वो बिकने के लिए तैयार था। कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होती है ना, हर रविवार को सुनते हैं खुदा ये करेगा, खुदा वो करेगा, लेकिन जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सिचुएशंस वैसी ही है। डोंट बी डिस्करेज, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, वो जानता है चीजों को कब ठीक किया जाएगा। आप उम्मीद को मत छोड़िए, आप भरोसे को मत छोड़िए। कोई होगा यहां पर जो ये सोचता होगा कि ब्रदर बिल्कुल ये मेरी सिचुएशन है, मैं हर रविवार को सुनता हूं ये होगा वो होगा, लेकिन जब घर जाते हैं तो चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। बहुत बार जो खुदा कहता है पर चीजें बहुत अलग दिखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। यस, फ्राइडे के बाद संडे भी आएगा, भले ही वो फ्राइडे के दिन मरा लेकिन संडे के दिन वो रिजरेक्टेड भी हुआ। अगर आज हम देख रहे हैं कि हमारे लाइफ में फ्राइडे है तो डोंट वरी, रविवार भी आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। यू सब बिक गया, लेकिन एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वहां पर वो ये है, क्या यूसुफ ने अपने भाइयों को खड्डे से गालियां दी? सोचो अगर अपन खड्डे में जाते तो हम क्या करते? खाली निकलू, तू क्या हंस रहा है? मैं होता तो मेरा, मैं तो ऐसे ही करता, आई नो माई करप्ट नेचर, मैं तो गालियां निकालता, मैं तो उनको कहता तुम लोग को खुदा देख लेगा। मैं नहीं, खुदा देखेगा तुम लोग को, तुम घर भी नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते पे ही तुम्हारे पीसेस करेगा। क्या है, मैं थोड़ा आदम में हूं थोड़ा प्रभु में हूं, तो आई नो माई सेल्फ। मैं कितना भी स्पिरिचुअल दिखूं, मैं सिचुएशन से जब निकलता हूं तब मुझे पता चलता है मैं कौन है ना। कई लोग बोलते हैं मैं बड़ा नम्र हूं, बड़ा नम्र, आई एम सो हम्बल, सो हम्बल। इन लोगों को बोलो 1 घंटा क्यू में जाके खड़ा हो जा,
और लोगों को बीच में घुसाओ, देखो इनकी नम्रता। ऐ अंदर कैसे घुसा, चल पीछे। अरे भाई क्या हुआ तुझे, इतना नम्र व्यक्ति है तू तो। होते हैं हम लोग बड़े नम्र हैं, बहुत हम्बल है। एक दिन मैंने चर्च में गवाही दी, मैं बहुत नम्र बन गया। सितंबर का महीना था, बारिश हो रही थी बाहर, और हमारे चर्च के बाहर खुदाई का काम चल रहा था। मैं वहां खड़ा था, नम्र व्यक्ति। बाइक आई, खड्डे में गई, खड्डे वाला पानी मेरे ऊपर, और मैंने उसको कहा, ए कैसे गाड़ी चलाता है तू? वो रुक गया, जोमेटो वाला था। बोला साहब गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई, चल अभी क्या करूं उसका? साहब मैं गरीब हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे। मैंने कहा फिर किया कैसे? 10-15 मिनट मैंने उसको सुनाया, वो चला गया। मैं घर आया, मुझे प्रभु ने कहा कितना नम्र है तू, 10-12 तेरे से और हो चर्च बंद करवा देगा तू मेरी। हम्बल है ना हम तो, हमें ना बहुत गलत फहमियां हैं अपने बारे में। मैं 100 गलत फहमियां, मतलब मैं सोच रहा हूं एक किताब लिखूं, मसीहों की 100 गलत फहमियां। सच्ची में बहुत बिकेगी मेरी वो किताब, कोई नहीं लेगा। किसी को बिलीव ही नहीं है आजकल। जॉइस मायर ने एक दिन बुक लगाई, स्टॉल लगाया, और उन्होंने चर्च में बाहर लिखा था, बुक के ऊपर लिखा था घमंड न करो। सब वहां से गुजर रहे थे, कोई खरीद ही नहीं रहा था, सब बोल रहे थे मुझ में घमंड थोड़ी है। आजकल आप किसी को कन्विंस, और अगर ज्ञानी है बोलो ज्ञानी, बोलिए ज्ञानी। ज्ञानी देखे हैं आपने, सबसे ज्यादा परेशान यही लोग करते। आप इनको बोलोगे ना ये यहां पर लिखा है, दिखा दिखा ये क्या है, वो चश्मे के नीचे वाला हिस्सा, ऐसा थोड़ी लिखा है, तो कैसा लिखा है। मैंने देखा है कलीसिया के अंदर जितना ज्ञानी लोग परेशान करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। जिनको बहुत अधिक ज्ञान है, ठीक है कोई आपकी तरह नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो उसके पास थोड़ा है वो भी गलत नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति देखो ना जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, आपकी बात काट करके अपनी चालू करता है, आप समझ जाना वो ज्ञानी है। बुद्धिमान नम्र होता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आपकी जिंदगी में आपको चुपचाप से सुन लेता है पूरी तरह से, भले ही आप नॉनसेंस बात कर रहे हो, वो सुन लेता है, उसके बाद थोड़े में आंसर देता है, समझ जाओ इज अ हम्बल मैन, वो नम्र व्यक्ति है। अब यूसुफ बिक गया। अब यूसुफ, आइए अब दूसरी कड़ी में आते हैं। पहली कड़ी बोलिए, यूसुफ ने विरोध नहीं किया। जोर से बोलिए, तीसरी बार भी कहिए। अब दूसरी बात स्पेशली यूथ के लिए, कलाम कहता है अब यूसुफ एक गुलाम की तरह जिंदगी जी रहा था। वहां एक औरत थी जिसकी गलत नजर थी उस पर, वो चाहती थी कि वो यूसुफ को अपने प्लेजर के लिए यूज करे। बहुत सारे लोगों को प्यार नहीं करते, उनको प्लेजर चाहिए। मेरी बहनों बच के रहिएगा, बहुत सारे लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, याद रखिए कुछ और देखते हैं वो लोग। और अगर आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं मेरी बहन, और आप दुआ कर रहे हैं खुदा तू मुझे वो दे जो तूने मेरे लिए रखा है, तो याद रखिए जो लड़का आपको शादी से पहले ही फिजिकल होने की कोशिश करे, आप जान लेना ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। बी अलर्ट, क्योंकि हमारे खुदा के घर में आज बहुत सारे लफंगे भी घुसे हैं जो बच्चियों को खराब करते हैं।
मेरे चर्च में एक मिनट नहीं ठहर सकते ये लोग, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं, या तो सुधरो या तो निकलो. वेरी सिंपल, वी हैव टू थिंग्स, या इधर बैठना है तो सुधरो, नहीं सुधरोगे निकलो इधर से, हमें कोई नहीं चाहिए यहां पर. याद रखिए, लोग खुदा को नहीं जानते, वो आपको देखते. यीशु ने कहा तुम ज्योति हो, तुम नमक हो. पॉल कहता है यदि मैं पाप करूं तो लोग क्या कहेंगे, मसीह पाप का सेवक ठहरा. ये बहुत जरूरी है कि हम जो पास्टर्स हैं, हम अपने कलीसिया के अंदर फोर्निकेशन के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहें, हम व्यभिचार के प्रति बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करें. अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट बी, लीव योर जॉब. अपने रिश्तों के बने रहने के पीछे अपनी कलीसिया में अनेकता ना आने दे. कम लोग रहेंगे चलेगा, एटलीस्ट खुदा के साथ तो हैं वो लोग. क्या फायदा उस भीड़ का जो गंदी जिंदगी चर्च में जिए, इससे अच्छा भले कम लोग हों, वो खुदा के साथ तो हैं. या आजकल क्या है, भीड़ को देखने की लस्ट भी बहुत है. पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक. अरे करोगे क्या इतनी पब्लिक का तुम, आर यू क्रेजी? आप इतना पब्लिक का करोगे क्या? आप बताइए यीशु कितनों को इकट्ठा कर पाया, 12. अगर आप एक पास्टर हैं, आपके चर्च में 6 लोग आते, आधी कलीसिया तो आपकी बन भी गई. सोचो, भीड़ के पीछे ना जाएं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें.